और दोस्तों केला का पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लग रहा है और मैं ये खाने जा रहा हूँ। नाइस। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है रुपताराम ब्लॉग्स में। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, देखिए आज रुपता जी केले का रेसिपी बनाने जा रही है और आप सभी वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पर देखिए रुपता जी पानी में केले को धो रही है, अभी इसको अच्छे से धो देंगे। अच्छे से धो देगी और उधर दो धो करके रख दिए रुपता जी, और तीन हो गया। तो दोस्तों तीन धो आ गया और एक बाकी है, और क्या करेंगे रुपता जी, वो भी हो गया। सो दोस्तों देखिए अभी रुपता जी जा रही है केले छीलने के लिए और आप सभी वीडियो में बने रहिए। देखिए सो दोस्तों, हमारा चार केला छिल करके रुपता जी रेडी कर दी और मैं इधर एक लहसुन छिल करके रेडी कर दिया और जा रही है रुपता जी से पीस पीस काटने के लिए। हाँ जी रुपता जी, हाँ जी, और पीस पीस काट करके, और देखिए रेसिपी में क्या बन रहा है। चलिए रुपता जी शुरू करिए अपना, काट रही है अभी रुपता जी पीस पीस, ऐसे ही काट लेंगे, ऐसे ही कटते हैं केला को। सो दोस्तों दो केला कट करके रेडी हो गया और ये तीसरा केला कटने जा रही है रुपता जी। देखिए और एक ही बच्चा केला है, देखिए सब केला काट दिए। सो दोस्तों सब कुछ यहाँ पर रेडी कर लिए रुपता जी अपने, क्या क्या चाहिए और रेडी कर करके देखिए। सो दोस्तों अभी बेसन रख रही है रुपता जी, और क्या रखेंगे, धनिया पाउडर रखेंगे और धनिया पाउडर थोड़ा रखेंगे और हल्दी पाउडर भी रख दिए दोस्तों, और मिर्च पाउडर, और मिर्च पाउडर भी रख दिए दोस्तों। तीनों मसाले में से थोड़ा थोड़ा रख दिए, देखिए इधर रुपता जी। हाँ जी, हम लोग जितने ही मसाले खाते हैं, और हम लोग का तीन ही मसाले खाते हैं, धनिया, हल्दी और मिर्च पाउडर, और नमक रख रही है दोस्तों। देखिए नमक हो जाएगा। सो दोस्तों नमक भी रख दिए और देखिए मिला रही है। तो देखिए रुपता जी पानी रख करके बेसन में और मिला दिए, ऐसे ही घोल टक 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 कर रही है रुपता जी। और मैं थोड़ा ये कढ़ाई में थोड़ा पानी है, मैं भीग करके आ जाता हूँ, और मैं एक थोड़ा गैस भी बाल दे रहा हूँ रुपता जी को, आसानी हो जाएगा, बल गया हमारा गैस। और कढ़ाई भी रुपता जी रख दिए और यहाँ बेसन तो मिला ही रही है अभी, देखिए। सो दोस्तों बेसन तो हमारा रेडी हो गया, रेडी हो गया। और देखिए दोस्तों अब रुपता जी क्या क्या कर रही है, और उधर हम मैं तो कढ़ाई चढ़ा दिए और कढ़ाई गर्म हो रहा है, कढ़ाई गर्म हो रहा है दोस्तों। सो दोस्तों रुपता जी तेल रख रही है अभी इसमें, तो देखिए बेसन में केला रख रही है अभी और उधर हमारा तेल गर्म हो रहा है। हाँ जी रुपता जी, हाँ जी, और कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लग जाएगा तो गर्म हो जाएगा तेल, तो फास्ट में हो जाएगा ना, गर्म हो जाएगा तेल तो फास्ट में हो जाएगा। तो 10 मिनट बोल रहे कि 10 मिनट टाइम लग जाएगा और गर्म हो जाएगा तेल तो फास्ट में हो जाएगा, और देखिए दोस्तों कितना टाइम लग रहा है। सो दोस्तों तेल तो गर्म हो गया, और सो दोस्तों देखिए रुपता जी केला का पकौड़ा बना रही है और बेस्ट लगेगा खाने में भी। और देखिए दोस्तों अभी तो हमारा रुपता जी कढ़ाई में पकौड़ा रख दिए हैं, और रखेंगे एक और रख देंगे, तो एक और रख दिए और इसे थोड़ा पकने देंगे, थोड़ा देर पकने देंगे रुपता जी अब ना रुपता जी। हाँ जी, अब थोड़ा देर पकेगा तो हमारा केला का पकौड़ा बन करके रेडी हो जाएगा। जो केला रखी थी रुपता जी वो पक करके रेडी हो गया और निकाल देगी अब, पक गया है। और देखिए दोस्तों यहाँ प्लेट में दूसरा घानी हम लोग पकाने जा रहे हैं अभी रुपता जी, दूसरा घानी है ये, और ये दूसरा घानी है, और हम लोग घानी ही बोलते हैं, एक दो नहीं बोलते हैं, घानी बोलते हैं, पकौड़ा पकाते हैं तो घानी ही बोलते हैं। एक तो निकल गया है और फिर से और केला रख रही है कढ़ाई में पकने के लिए। दोस्तों देखिए हमारा फिर से पकौड़ा निकलना शुरू हो गया है, और यहाँ पर रुपता जी पकौड़ा निकाल रही है। और दोस्तों केला का पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लग रहा है और मैं ये खाने जा रहा हूँ। नाइस।
और रखिए दोस्तों फिर से रपटा जी कढ़ाई में रख रही है पकाने के लिए, और इतना सारा केरा का पकौड़ा निकल गया है, अब फिर से रख रही है। तो रपटा जी अभी पकौड़ा तो बहुत ही अच्छा से पका रही है और बहुत ही बेस्ट लग रहा है। एक और खा लेते हैं दोस्तों, क्या करें, खाने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है। खा लिए दोस्तों एक और। तो दोस्तों देखिए हमारा केला का पकौड़ा बन करके रेडी हो गया है, और मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।